हर हर महादेव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा ब्लॉग वीडियो महादेव के घाटों की नगरी बनारस, वाराणसी या जिसे काशी कहते हैं वहाँ की है। भारत के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो अब घर से बाइक से निकल चुके हैं महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। उसके बाद ट्रेन से टिकट बुक करके काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो अभी तक जितने भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ट्रेन में भतीजे ने बिना बताए एक बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया। लगभग करीब 4 घंटे बाद हम वाराणसी के स्टेशन रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच गए। लगभग 4 घंटे लगा। फिर अगली सुबह करीब 4 बजे सावन के सोमवार को हम गंगा घाट की तरफ सुबह ही निकल पड़े। रास्ते में हजारों कांवरियों की भीड़ देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। गोदौलिया चौराहा जो कि एक फेमस जगह है, वहां से लेकर मंदिर के गेट तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राठौर कुशीनगर। कांवरियों के भीड़ की लाइन देखकर लग रहा था कि लगभग 3-4 घंटे बाद ही चल चढ़ाने का नंबर आएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सावन के सोमवार में भीड़ होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले घाट पे पहुंचकर हमने गंगा स्नान किया। बगल में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे थे। चूँकि सोमवार का समय था तो भीड़ वैसे ही काफ़ी ज़्यादा होना था। फिर उसके बाद हम भगवान शंकर जी का रूप धारण करके एक लड़का जो चंदन टीका लगा रहा था, जो कि लगभग वहाँ पे सभी लोग लगवा रहे थे, हमने भी चंदन का टीका लगवा करके दान में कुछ पैसे दे करके भगवान शंकर जी का पैर छुए और आशीर्वाद लेकर के सीधे मंदिर के गेट की तरफ हमने प्रस्थान किया। क्योंकि जितना लेट हम यहाँ करते उतनी हमें लाइन ज़्यादा लगाना पड़ती। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये गंगा घाट की तस्वीर है, आप देख सकते हैं कितनी नाएं और कितनी हजारों की संख्या की भीड़। फिर हमने फूल प्रसाद माला खरीद करके लाइन में लगकर महादेव का नारा लगाते हुए एवं महादेव का नारा बोलते हुए आगे बढ़ते गए। हालांकि शॉर्टकट तरीका भी था, डायरेक्ट मंदिर के गेट तक जाने का था, लेकिन ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए सीधे एवं सिंपल तरीके से लाइन में लग के फिर अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित था। ये आप रास्ते की भीड़ देख सकते हैं कि खंभे लगाकर लाइन बाय लाइन लोग आगे आगे चल रहे थे। ये अंदर की है तस्वीर। तो मोबाइल ले जाना वर्जित था तो हम मोबाइल जमा कर दिए। उसके बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन करके सुख संपत्ति और शांति की कामना करके सीधे मंदिर से बाहर निकला। अंदर काफ़ी हद से ज़्यादा भीड़ था। दर्शन करने के बाद जस्ट बगल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, वहाँ भी दर्शन किए और जल चढ़ाने आए कांवरियों के साथ एक छोटा सा वीडियो बनाया, जो कि काफ़ी अच्छे कांवरिये थे, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाइट विजन है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर काफ़ी सुंदर, मनमोहक, अविस्मरणीय व अद्भुत दृश्य वहां देखने को मिल रहा था। आप वीडियो में देख सकते हैं ये घाट है, सीढ़ी है और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। आप शाम को ठीक 7 बजे से यहाँ पे हजारों संख्या में मौजूद लोगों की भीड़ के समय 7 बजे से ठीक 8 बजे तक गंगा आरती होती है, जो कि 1 घंटा होता है। फिर हम गंगा आरती देखने के बाद यहाँ पे गोदौलिया चौराहा, बनारस का पान हमने ज़रूर खाया और बनारस की साड़ी हालांकि खरीदी नहीं, लेकिन हमने वहाँ पर सेट देखा। यहाँ पर आप 80 घाट, रामनगर का किला, संकट मोचन हनुमान मंदिर के साथ साथ 200 सौम्य घाट, यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं। आप जब भी बनारस आएँ तो आप एक बार इन सभी मंदिरों को अवश्य देखें।
काफ़ी सुख संपत्ति और शांति की मनोकामना करते हुए आप अपने परिवार के साथ इस महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ मंदिर आप अवश्य दर्शन करने के हैं। तो अभी तक जितने भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप अगला स्थान किस मंदिर का देखना चाहते हैं। जिसको वहां जाकर देखना हो आप कमेंट कर दीजिए, अगले मंदिर का दर्शन हम वहीं से कराएंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये कुछ वीडियोज हैं जो कि हमने मंदिर घूमने के बाद वहाँ शूट किया था इंजॉय करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राठौर, कुशीनगर।